नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बॉयल आलू से बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप इस नाश्ते को बना के जरूर देखिएगा, खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गोल लगते हैं 500। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 6 आलू। आलू को अच्छे से धोने के बाद मैंने कुकर में डाल के एक सीटी आने तक मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। 2 सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आलू को हमें ओवर कुक भी नहीं करना है। तो सिर्फ 1 सीटी लगा के आपको आलू को बॉईल कर लेना है। अब हम आलू को छील लेंगे। आलू आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको ये नाश्ता बनाना हो। तो सभी आलू को मैं पहले छील लूँगी। सभी आलू को छील लिया है। अब हम आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम पीसेस में कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे साइज थोड़ा सा बड़े रख रही हूँ, आप चाहे तो छोटे कर सकते हो। तो इसी तरीके से सभी आलू को मैं काट लूँगी। देखिए, आलू को मैंने काट लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम ले लेंगे एक पैन। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे, और डालेंगे हम यहाँ पे 1 बड़े चम्मच ब्लैक पेपर। 1 बड़े चम्मच के हम डालेंगे साबुत जीरा। 3 डालेंगे हम यहाँ पे सूखी लाल मिर्च। 2 चम्मच हम डालेंगे बड़े चम्मच के साबुत धनिया। 1 टुकड़ा दालचीनी के। 2 डालेंगे हम काली वाली इलायची। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 6 लौंग। गैस का फ्लेम लो मीडियम करेंगे, और लो मीडियम फ्लेम में हम 2 मिनट के लिए मसाले को रोस्ट कर लेंगे। और जब अच्छे से हमारा मसाले भून जाए, तब हम निकाल के थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर हम मिक्सी के जार में डाल के पाउडर तैयार कर लेंगे। लगातार चलाते हुए हमें मसाले को ड्राई रोस्ट करना है। 2 मिनट में मसाले हमारा अच्छे से भून चुका है, हम निकाल के एक प्लेट में रखेंगे। पैन काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अगर पैन में रखेंगे तो मसाले हमारा जल सकता है। तो मसाले को हम ठंडा करेंगे, फिर हम पाउडर तैयार कर लेंगे। दूसरे एक पैन में हम ले लेंगे तेल। आलू को हमें डीप फ्राई करना है, तो तेल थोड़ा सा हम यहाँ पे ज़्यादा लेंगे। तेल को हम पहले मीडियम गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे करेंगे, और जितना आलू हमारा है हम 2 बारी में फ्राई करेंगे। 1 बारी में हम नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। डालते टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे, फिर हम मीडियम फ्लेम में गोल्डन कलर आ जाने तक आलू को फ्राई करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं, और मीडियम फ्लेम में 2 मिनट एक तरफ फ्राई करेंगे, फिर हम स्पैचुला से इस तरीके से पलटते रहेंगे। एक बारी में अगर आप आलू डाल देंगे तो अच्छे से आलू हमारा फ्राई नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम छन्नी से हल्के हाथों से पलटते भी रहेंगे आलू को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस नाश्ते को एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में। एक बार आप इस तरीके से घर पे बनाएंगे ना, मार्केट से आलू चाट खाना आप छोड़ ही देंगे। देखिए, इस तरीके से हम बीच बीच में पलटते भी रहेंगे। पाँच मिनट हो गए हमें आलू को फ्राई करते हुए, बस हल्का कलर चेंज हुआ है। 2 मिनट और हम फ्राई करेंगे। बहुत
बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बनके तैयार होगा। सात से आठ मिनट हो गए, अब हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कलर चेंज हो गया है, ऊपर से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं आलू। हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी आलू भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए तो बाकी आलू भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे काला नमक स्वाद अनुसार। तो मैं आधा चम्मच डाली हूँ नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और डालेंगे हम आधा चम्मच यहाँ पे चाट मसाला। थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया, हरा धनिया डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। जो हमने मसाले को पीस के रखे थे वो डालेंगे हम यहाँ पे करीब तीन चम्मच। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है इमली की चटनी, ये भी हम डाल देंगे दो से तीन चम्मच। डालेंगे एक नींबू का रस, नींबू का रस डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक नींबू का रस डाल दिया है और अच्छे से अब हम मिला लेंगे। ये आलू चाट देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। बस एक बार आप इस तरीके से बना के खाएंगे ना, मार्केट का चाट खाना आप छोड़ ही देंगे, इतना ये टेस्टी बनके आपका तैयार होगा। अब हम आलू चाट को सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एक बार आलू चाट बना के ज़रूर देखिएगा और खाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।